हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फंडालोजी। तो बेटा आइए आज हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एनर्जी फ्रॉम द सी एंड द जियोथर्मल एनर्जी। हम यहाँ पर सी यानी समुद्र से मिलने वाली हमें जो एनर्जी है और जो जियोथर्मल एनर्जी है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। और जो एनर्जी फ्रॉम द सी है, ये भी फर्दर आगे हमारी तीन टाइप की मेन एनर्जी है। वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हमारी है टाइडल एनर्जी, और दूसरी होगी हमारे पास वेव एनर्जी, और तीसरी है ओशियन थर्मल एनर्जी। क्लियर? तो समुद्र से मिलने वाली एनर्जी यानी ओशियन एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, हम इन दोनों को डिटेल में जितना हमारे सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू द क्लास 10th, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले है हमारे पास टाइडल एनर्जी। देखिए बेटा, टाइडल एनर्जी क्या है? ड्यूरिंग द डे लेवल ऑफ द सी वाटर चेंजेस। देखिए, दिन के टाइम में क्या होता है कि समुद्र के पानी का लेवल एक बार तो बढ़ जाता है और एक बार नीचे गिरता है, कम हो जाता है। एक बार बढ़ गया, एक बार कम हो गया। अगर कोई आप में से कभी मौका मिले आपको समुद्र देखने का, तो आप देखना वहां पर उसके पानी का लेवल एक बार बढ़ता है और एक बार घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। जब धरती से मून का डिस्टेंस थोड़ा नजदीक हो जाता है, उस टाइम तो वाटर का लेवल अट्रैक्शन बढ़ गई, तो वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जब मून थोड़ा सा दूर हो जाता है अर्थ से, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया, तो वाटर का लेवल क्या हो गया? डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो वाटर का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसको बोला जाता है हाई टाइड एंड लो टाइड। पानी बढ़ गया, वाटर का लेवल यानी हाई टाइड आ गई, पानी का लेवल घट गया यानी कि लो टाइड्स आ गई। तो ये होता है बेटा टाइड फॉर्मेशन। क्लियर? तो यहां पर देखिए, वाटर के लेवल में डिफरेंस आया, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, इसी डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोला जाता है टाइडल एनर्जी। क्या बोलेंगे? टाइडल एनर्जी। और इस टाइडल एनर्जी से ही हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले जब मान लीजिए वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ, हमने डैम बनाएंगे एक जगह पर, उस डैम से इस वाटर को, डैम का रास्ता ओपन कर देंगे, पानी आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वाटर का लेवल आने दो, फिर डैम को बंद कर दो। जब वाटर का लेवल वहां से डिक्रीज हो जाता है, डैम का रास्ता ओपन कर दो, थोड़ा सा ओपन कर दो। क्या होगा उससे? जब पानी बाहर आएगा डैम से, उसको टर्बाइन पे डाला जाएगा, टर्बाइन घूमना शुरू करेगी, और टर्बाइन किससे जुड़ी होगी? जनरेटर के साथ, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपने कैसे लिखना है। ड्यूरिंग द डे लेवल ऑफ द सी वाटर चेंज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चेंज होगा ऑफ मून ऑन द अर्थ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाई टाइड एंड लो टाइड। This difference in the sea level gives the tidal energy. इसकी वजह से हमें क्या मिली? Tidal energy. Tidal energy used by making the dams. Dam का बना करके इस energy को use किया जाएगा। कैसे? Turbine is fixed at the opening of the dam. जहां से dam की opening होगी, वहां पर एक turbine लगा दिया जाएगा, और turbine जुड़ा है आपका generator से, generator produces electricity. अब इस process की एक limitation भी है। क्या? कि इस तरह के जो डैम्स हैं वो हर जगह पर नहीं बनाए जा सकते। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस। क्लियर है? केवल कुछ ही जगह ऐसी हैं जहां पर ऐसे डैम बनाना पॉसिबल है। क्लियर? तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको टॉपिक को नोट कीजिए, उसके बाद हम करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की एनर्जी, दैट इज वेव एनर्जी। तो चलिए पढ़ते हैं हम वेव एनर्जी के बारे में। देखिए, वेव एनर्जी क्या है? जब समुद्र के किनारे पर बहुत तेज हवा चलती है, तो उस तेज हवा के चलने से पानी के अंदर कुछ लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, लहरें पैदा हो जाएंगी, जिसे हम बोलेंगे वेव्स। क्लियर? अब क्योंकि इन वेव्स के मूव कर रही हैं ये, तो इनके अंदर जो एनर्जी होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी तरह से इन वेव्स को किसी टर्बाइन के ऊपर डाला जाए, तो टर्बाइन घूमेगी, और टर्बाइन को जोड़ दिया जाए जनरेटर से, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो एक काफी अच्छा सोर्स है, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसमें एक बार लगाने की कॉस्ट आएगी जो टर्बाइन वगैरह फिक्स करने की और जनरेटर, लेकिन उसके बाद ज्यादा कॉस्ट नहीं है। तो लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यही है कि केवल जब तेज हवाएं चलेंगी, या जिन जगहों पर तेज हवाएं
चलती हैं तभी हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो आपको कैसे लिखना है इसको एग्जाम में नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम अपना ओशियन थर्मल एनर्जी। देखिए ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है, सन की वजह से जो ओशियन के समुद्र के सरफेस का जो वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जबकि जो गहराई में समुद्र के अंदर जो पानी है नीचे उस वो थोड़ा ठंडा होता है और ऊपर का पानी सन की वजह से गर्म हो जाता है। तो अब ये जो डिफरेंस आया टेम्परेचर में इससे हमें कुछ एनर्जी मिल सकती है, उसी को बोलेंगे ओशियन थर्मल एनर्जी। अब ओशियन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ प्लांट्स लगाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट्स। अब देखिए ये कैसे काम करते हैं, जो ऊपर का पानी है सरफेस का वो तो गर्म है और नीचे वाला पानी है वो कैसा है, ठंडा है। तो क्या किया जाता है बेटा, हम एक वोलेटाइल लिक्विड लेंगे। कैसा लिक्विड? वोलेटाइल, जैसे कि लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया हमने लिया क्योंकि ऊपर का पानी गर्म है तो उस पानी का टेम्परेचर इतना सफिशियंट होता है कि उससे जो लिक्विड अमोनिया है वो भाप में बदल जाए, यानी वेपर्स में बदल जाए। तो वो हॉट वाटर क्या करेगा, लिक्विड अमोनिया को वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा और इन वेपर्स को टर्बाइन के ऊपर डाला जाएगा। किससे? टर्बाइन के ऊपर। टर्बाइन जुड़ा होता है जनरेटर से और जनरेटर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब बात करते हैं कोल्ड वाटर की। तो ये जो कोल्ड वाटर है इसको ऊपर पंप करके दोबारा से हम क्या करेंगे, उस वेपर अमोनिया के ऊपर डाल देंगे। अब उससे वो वेपर अमोनिया क्या हो जाएगी, दोबारा से कंडेंस हो जाएगी, यानी ठंडी होकर के दोबारा लिक्विड बना देगी। क्लियर? वेपर दोबारा से लिक्विड अमोनिया बन गई और कोल्ड वाटर फिर क्या करेगा, उसको फिर वेपर में बदलेगा। वेपर को हम जन टर्बाइन पे डालेंगे और फिर नीचे से ठंडा पानी आएगा और वो ठंडा पानी क्या कर देगा, दोबारा से उस वेपर से लिक्विड अमोनिया तैयार कर देगा। क्लियर? तो इस प्रोसेस से हम बार बार जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे का सारा पॉइंट जो भी आपने लिखना है वो मैंने यहां लिख दिया है। केवल एक पॉइंट जो मैंने इसकी लिमिटेशन यहां पर मेंशन नहीं की है, वो लिमिटेशन आपने खुद सुनकर के खुद नोट करनी है। देखिए क्या है लिमिटेशन, कि ओशियन थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हम तभी बना सकते हैं जब जो सरफेस का वाटर है और जो 2 किलोमीटर नीचे डेप्थ पे जो वाटर है, 2 किलोमीटर गहराई पे जो पानी है और सरफेस पे जो पानी है, इनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? देखिए जो सरफेस पर पानी होगा ऊपर और 2 किलोमीटर गहराई पे जो पानी होगा उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस, ऊपर पानी गर्म है नीचे ठंडा, तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम डिफरेंस है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। क्लियर? तो चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। क्लियर? नोट कर लिया। अच्छा इसकी एक लिमिटेशन और आप सुनिए, कि जो बड़े बहुत बड़े लेवल पे इससे जो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, दैट इज नॉट सो मच इजी प्रोसेस। क्लियर? तो ये दो लिमिटेशन मैंने आपको बताई, ये दोनों भी आपने नोट करनी है। तो चलिए बेटा अब हम समझते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। देखिए बेटा हमारी अर्थ के क्रस्ट में जो नीचे कुछ मोल्टन रॉक्स प्रेजेंट हैं, जब ये मोल्टन रॉक्स किसी जियोलॉजिकल रीजंस की वजह से ऊपर की ओर पुश की जाती हैं, दे आर पुश्ड अपवर्ड, तब क्या होता है, कई बार ये ट्रैप हो जाती हैं इन सम रीजंस। मतलब किसी जियोलॉजिकल रीजन की वजह से मोल्टन रॉक्स ऊपर की ओर पुश हुई और जब ये ऊपर की ओर पुश होती हैं तो वहीं ऊपर ही ट्रैप होकर के रह जाती हैं, नीचे ही मतलब अर्थ के अंदर ही क्या हो जाती है, ये ट्रैप हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं जहां पर ये ट्रैप हुई उस रीजन को बोला जाता है हॉट स्पॉट। क्या बोला जाता है? हॉट स्पॉट। और जब धरती के नीचे का पानी इस हॉट स्पॉट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो
तो वो पानी भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर के क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टीम प्रोड्यूस करता है। When the groundwater come in contact with the hot spot, then steam is generated. इससे कुछ भाप निकलती है, and sometimes this hot water finds the outlet at the surface. ये जो पानी गर्म हुआ है, इसको कई बार धरती से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और ये बाहर निकलने लग जाता है गर्म पानी। उसको बोला जाता है hot spring, यानी गर्म पानी का झरना। आपने सुना होगा कई जगह पर है गर्म पानी का झरना। वो क्या होता है, जब ये हॉट स्पॉट के कॉन्टेक्ट में वाटर आया और उस वाटर को बाहर आने का एक रास्ता मिल गया, तो वहां से पानी जब बाहर आता है उसे हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। क्या बोला जाएगा उसको, हॉट स्प्रिंग। और ये जो नीचे कई बार क्या होता है, मैंने बोला स्टीम प्रोड्यूस होती है और वो स्टीम अंदर ही ट्रैप हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी जगह से पाइप के जरिए उस स्टीम को निकालेंगे और टरबाइन के ऊपर डालेंगे। तो टरबाइन क्या करेगा, जनरेटर को रोटेट करेगा और जनरेटर से बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। क्लियर। इसकी एडवांटेज ये है, ये टोटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और बहुत ही कम कॉस्ट से इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है, ऐसी जगह जहां से हम ऐसी एनर्जी को पा सकते हैं वो जगह ही बहुत लिमिटेड है, बहुत रेयर है वो ऐसी। क्लियर है, तो आप इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। क्लियर, तो नोट कर लिया। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।